अच्छा, ये 5 फीट बाई 8 फीट पे है। अच्छा, इसका थिकनेस कितना होगा? इसका थिकनेस है 28, हाँ 28 mm होगा, 28। आप देख सकते हैं इसका थिकनेस 27-28 mm होगा। ये है हरियाणा शक्ति प्रीमियम है। अच्छा, इसका 2 साल की गारंटी है। ये मिल्किंग मशीन है, मिल्किंग मशीन को जिसे ये ऐसे देख सकते हैं, ये थन में लग जाता है, चारों थन में। अच्छा अच्छा, और इसी को लगा दिया जाता है, मशीन स्टार्ट होता है और ये दूध ऑटोमेटिक थन से, ऐसे थन से आके इस बकेट में गिर जाता है। अच्छा। और यहाँ से ये इसका कैप खोल के और दूध निकाल लिया जाता है। ये चारा मशीन है, इसमें ये ब्लोअर टाइप चारा मशीन है। अच्छा। इसमें मोटर लगा हुआ है 2 HP का। ये जो चारा कटिंग मशीन है, इसमें चक्की लगा हुआ है, इसमें जानवरों को दाना बनाने के लिए आटा बना सकते हैं इसमें, और उस अगर ये चलाएंगे तो चारा काटने वाला मशीन बंद रहेगा। अच्छा, चारा काटने वाला चलाएंगे तो ये बंद रहेगा। दोनों ही मेकिंग मशीन है। अच्छा। इसमें दूध डाल दिया जाता है और ये चलाना नहीं पड़ता, ये चलता दूध से क्रीम। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये छोटा सा मशीन है दूध से क्रीम निकालने के लिए, पनीर दबाने का मशीन है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नंदलाल गुप्ता ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों कुछ भी पशु मंडी का, नारायणपुर पशु मंडी का और जो मिर्जा साहब पशु मंडी है, इन तीनों का वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर डाल चुका हूँ। तो कुछ वहाँ डेयरी फार्म वाले जो भाई लोग थे, वो लोग पूछ रहे थे कि भैया जो इसकी ज़रूरत है, जैसे भैंस का चारा काटने वाली मशीन और दूध निकालने वाली मशीन, ये सब कहाँ मिलती हैं? तो उनके लिए ऑलरेडी स्पेशली मैं वीडियो लेकर आया, बहुत ढूंढने के बाद ये वीडियो मुझे मिला है। दोस्तों आपको बताते चलो, यहाँ पे चारा काटने वाली मशीन, भैंस का दूध निकालने वाली मशीन, सारी मशीनें मिल जाएंगी। तो दोस्तों चलिए यहाँ का आनर से बातचीत करते हैं और सारी जानकारी लेते हैं कि यहाँ का एड्रेस क्या है और कौन सी मशीन किस रेंज में है, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं फाइनली यहाँ के आनर के पास आ गया हूँ और चलिए इनसे बातचीत करते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सर जी नमस्कार। नमस्ते सर जी, यहाँ पर आप क्या क्या दिखाने वाले हैं? यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क मशीनरी, जैसे मिल्क से रिलेटेड जो भी मशीनरी है वो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे दूध निकालने के लिए ज़रूरत होता है, जैसे ज़्यादा गाय होती हैं डेयरी फार्म में या ज़्यादा दूध देने वाली गाय, जैसे 20 लीटर 25 लीटर 40 लीटर दूध होता है, तो हाथ से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए उसके दूध निकालने के लिए मशीन है हमारे पास। और पनीर, दूध से पनीर बनाना हो या खोया बनाना हो, खोया जलाने के लिए क्या करते हैं, हम कढ़ाई पर दूध डाल देते हैं और उसको एक आदमी चलाता रहता है ताकि उस पकड़े ना, लेकिन वहाँ उस चलाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो चलता रहता है, दूध पकड़ता नहीं है, एक बार डाल के छोड़ देते हैं, वो ऑटोमेटिक जल जाता है पूरा दूध और खोआ बन जाता है। पनीर बनाने के लिए उसमें गर्म करके दूसरे बर्तन में फाड़ देते हैं। और उस तरह से क्रीम निकालने के लिए, दूध से क्रीम डायरेक्ट निकाला जा सकता है, वो उसमें दूध डाल देते हैं, जिसे क्रीम मशीन है उसमें क्रीम निकल जाता है। उसके अलावा हमारे पास पनीर प्रेस करने के लिए मशीन है, उसके बेंडिंग मशीन है, दूध जिसे रोड पे खड़े होकर लोग बेचते हैं, एक एक लीटर निकालते हैं, उसके लिए मशीन है, जिसे ATM से पैसा निकालते हैं उसी तरह दूध भी निकाला जा सकता है, वो मशीन भी हमारे पास है। और चारा मशीन है, चारा काटने के लिए बहुत सारे डेयरी फार्म में बहुत सारे गाय रहती हैं तो उसको चारा काटना ज़्यादा पड़ता है, तो ऑटोमेटिक मोटर से चलने वाला चारा मशीन है हमारे पास, कई तरह के चारा मशीन है। उसको दाना बनाने के लिए कोई भी ज़रूरत पड़ता है तो उसी मशीन में दाना बनाने के लिए भी फिट किया हुआ है, जो दाना बना सकते हैं उसको गाय को या भैंस को खाने के लिए। उसके अलावा हमारे पास काउमेट है, जो गाय का गद्दा बोलते हैं, जैसे स्पेशली मान के चले एक तरीके से कि जो डेयरी फार्म वाले हैं, जो पशुपालन व्यापारी हैं, उनके लिए स्पेशली वीडियो होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। और एक बार एड्रेस बता दीजिए हमारे लिए। यहाँ का एड्रेस है सिंगड़िया, नियर कूड़ा घाट, या एम्स के बगल में भी बोल सकते हैं, नियर एम्स और देवरिया रोड गोरखपुर। एक बार मोबाइल नंबर बोल दीजिए। 8283901351 ये हमारा मोबाइल नंबर है। 8283901351 ये हमारा मोबाइल नंबर है यहाँ का फॉर्म का। दोस्तों जिनका कॉन्टेक्ट नंबर का एड्रेस होगा मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। तो सर चलिए दोस्तों, आपको टाइम बर्बाद नहीं करते, कुछ सैंपल दिखाते हैं। देखिए मिल्किंग मशीन है, मिल्किंग मशीन को जिसे ये ऐसे देख सकते हैं, ये थन में लग जाता है, चारों थन में। अच्छा अच्छा, और इसी को लगा दिया जाता है, मशीन स्टार्ट होता है और ये दूध ऑटोमेटिक थन से, ऐसे थन से आके इस बकेट में गिर जाता है। अच्छा।
और यहाँ से ये इसका कैप खोल के और दूध निकाल लिया जाता है। काफ़ी आसानी से, मतलब बहुत आसानी से ये हो जाता है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट में कम 10-15 लीटर दूध आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए सर कंप्रेसर वाले व्यवस्था है कि क्या व्यवस्था, मतलब निकालने के लिए? हाँ, इसमें कंप्रेसर की व्यवस्था है। यहाँ मोटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक मोटर आधे HP का, और यहाँ ये प्रेशर जनरेट होता है इसमें, और ये वैक्यूम सिस्टम। मिल्किंग मशीन दो तरह का होता है, एक वैक्यूम सिस्टम होता है, पिस्टन सिस्टम होता है। तो वैक्यूम सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उससे गाय का कोई नुकसान नहीं होता है। पिस्टन सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि ब्लड वलड आने का डर रहता है। ये वैक्यूम सिस्टम है। सर जी ये लाइट से चलता होगा ना? हाँ, ये भी इलेक्ट्रिसिटी चलता है, ये मोटर लगा हुआ है, इसी लाइट से चाहिए। नॉर्मल लाइट से चल जाता होगा? नॉर्मल लाइट चल जाएगा, इन्वर्टर से भी चला सकते हैं, 24 वोल्ट का इन्वर्टर है तो चल जाएगा। अच्छा। बैटरी हो तो। वैसे इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस है 34,000। 34,000? हाँ जी। 34,000 पूरा सेट होगा ना फिर? हाँ, पूरा सेट इसमें 34,000 में डायरेक्ट जाके दूध निकाल सकते हैं, और इससे बड़ा थोड़ा सा लेंगे तो 45,000 का है इसका। सर हमारे व्यापारी भाई हूँ, अगर उनको इसके बारे में जानकारी ना हो, कैसे खोलना, कैसे चालू करना, थोड़ा सा ओपन करके कुछ दिखाएंगे क्या इसमें? दिखाना बाबू, ये इसको केलो बोलते हैं जी। केलो कैसे कर दिया जाता है जी। और जैसे इसमें प्रेशर बनता है तो ऐसे थन में लगा देते हैं, ये पकड़ लेता है। अच्छा। चारों तरफ थन में लगा देते हैं, पकड़ लेता है, और जिससे दूध निकालने के बाद इसको यहाँ से खोला जाता है। यहाँ से ऐसे खोल दिया जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, यहाँ से दूध निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, बाकी कुछ पूरा इस तरीके से आपको बता देंगे, जो भी प्रॉब्लम वो सिखा देंगे यहाँ पे। हाँ हाँ, सारी तरीके से आपको बता देंगे। 34 सर इसका रेट है? 34,000। इसकी गारंटी वारंटी कुछ? 1 साल की वारंटी है इसकी। वारंटी भी क्या है? कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी मशीन में खराबी होता है तो 1 साल में उसको ठीक करके देंगे, कंपनी देगी। और इसमें रबड़ का और आइटम जो भी है उसमें गारंटी वारंटी नहीं होता है। ये चारा मशीन है, इसमें ये ब्लोअर टाइप चारा मशीन है। इसमें मोटर लगा हुआ है 2 HP का, इसमें काफ़ी मुश्किल से मतलब लगभग 4 क्विंटल तक इसमें मतलब चारा काट सकता है घंटे में। अच्छा। 4 से 5 क्विंटल तक। ये भी लाइट से चलता है? लाइन से चलता है ये। इसके अलावा ये इसका दाम है 25,000। और ये भी 25,000 का है, ये भी सेम है। वारंटी कितना हुआ? 1 साल का हुआ। 1 साल का मोटर का वारंटी है। हाँ, ये भी इसमें 2 गियर सिस्टम दिया हुआ है, हरा चारा काटने के लिए और सूखा चारा काटने के लिए। इसमें गियर दिया हुआ है, थोड़ा स्लो कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं जी जी। इसमें भी 3 HP का मोटर लगा हुआ है। इसके अलावा ये जो चारा कटिंग मशीन है, इसमें चक्की लगा हुआ है जी। इसमें जानवरों को दाना बनाने के लिए आटा बना सकते हैं इसमें, और उस अगर ये चलाएंगे तो चारा काटने वाला मशीन बंद रहेगा। अच्छा। चारा काटने वाला चलाएंगे तो ये बंद रहेगा, दोनों एक ही मोटर से सेट कर सकते अच्छा। हैं। और इसका प्राइस क्या होने वाला है? हाँ, इसका प्राइस है 25,000 इसका है, चक्की के साथ। हाँ, चक्की आटा भी इसका 18,000 है। इसका 18,000 है, ये बिना चक्की का है, ये 18,000 है इसका रेट। ये मुझे बहुत अच्छे लगे कि मतलब 25,000 में आप चारा भी काट सकते हैं, प्लस आटा वाली भी जो है, दोनों व्यवस्था पा सकते हैं, और दाना भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? दाना भी बना सकते हैं गायों के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है ये मुझे मशीन। और ये क्या? इसके अलावा ये देख सकते हैं, ये खोया मेकिंग मशीन है। अच्छा। इसमें दूध डाल दिया जाता है और ये चलाना नहीं पड़ता, ये चलता रहता है, इसे घूमता है ये, राउंड अप होता रहता है। हाँ, इसमें मोटर लगा हुआ है 1 HP का, ये घूमता रहता है। नीचे गैस बर्नर लगा हुआ है, गैस जलता है, जिसे ये इसमें खोया बनाया जा सकता है, पनीर बनाया जा सकता है, और इसमें बहुत कम टाइम में ही ये बन जाता है इसमें खोया और पनीर। इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर 60 लीटर कैपेसिटी का लेते हैं तो आपको 53,000 का पड़ेगा। अब ये कितने लीटर का है? ये है 200 लीटर का, ये पड़ेगा 90,000 का। ये 90,000 का पड़ेगा। 60 हाँ जी, कम होगा ना? 53,000 का है। 120 लीटर का है, 65,000 का। अच्छा, तो इसी तरह कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, इसका साइज पे डिपेंड करता है। हाँ जी जी दोस्तों, आपको बताते चलूँ, सारे कलेक्शन मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबा होगा। आप बैटरी आएंगे, इसे टच करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएंगे, और बाकी मैं जितना हो सकता है संभव मैं सारी चीज़ दिखाने की कोशिश करूँ। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, किसान में इनका देखिए खेत की जुताई जो है, ये सारे प्रोसेस यहाँ पे मिल जाएंगे जो करने के लिए मशीन। काउमेट है सर ये? हाँ, काउमेट है ये। ये गाय का गद्दा भी बोलते हैं। इसमें गाय को क्या होता है, पक्के फर्श पे रखने से उसका खुर में दर्द मतलब घाव हो जाता है, थन में घाव हो जाता है, घुटने में घाव हो जाता है, तो इसलिए ये लगाया जाता है, इससे आराम मिलता है। और ये लगाने के बाद कम से कम 1 से 2 लीटर दूध बढ़ जाता है। अच्छा। क्योंकि उसको आराम मिलता है और बैठती है, जब उसको आराम मिलेगा तो उसको दूध बढ़ना ही बढ़ना है। ये अलग अलग साइज में आता होगा? हाँ, ये अलग अलग साइज का आता है, अलग अलग रेंज में आता है। अभी ये जो सामने दिख रहा है कितना साइज का है?
ये 5 फीट बाई 8 फीट में है। अच्छा, इसका थिकनेस कितना होगा? इसका थिकनेस है 28, हाँ 28 mm होगा, 28। आप देख सकते हैं इसका थिकनेस 27-28 mm होगा, 27-28 mm बता रहा हूँ, मैं दिखाने कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इसका रेट क्या होने वाला है? इसका 2400 का है। 2400 का जी, ये है हरियाणा शक्ति प्रीमियम है। अच्छा, इसका 2 साल की गारंटी है। अच्छा, अगर टूट जाता है तो 2 साल में वापस हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। और ये हरियाणा शक्ति प्रीमियम है। इसका क्या रेट होने है? इसका है 2800 रुपया। हाँ जी, साइज इसका कितना होगा? इसका 5x8 है, 4.5x8 है। अच्छा, दो साइज है। मुझे लगता है कि अगर 2 बिछा तो पूरा एक रूम कवर कर लेगा। हाँ, एक रूम कवर कर लेगा। 2 बिछा देंगे तो कम से कम 3 गाय एक बच्चिया आराम से इसमें आ जाएंगी। तो सब देख सकते हैं, इसमें कलर चार्ट भी काफी ज्यादा है, देख सकते हैं। मैं दिखाने कोशिश कर रहा हूँ, ये जिंदल का है। ये जिंदल, ये जिंदल कंपनी का है। जिंदल कंपनी काफी फेमस है। अच्छा, और जिंदल कंपनी का 5x8 का ये मैट है। ये 2000 का है। ये 2000 का, इसकी गारंटी वारंटी कुछ? इसका गारंटी वारंटी कंपनी तो नहीं देती है, लेकिन कम से कम 4-5 साल चल जाता है। 4-5 साल चल जाता है। हाँ जी। और ये कितना चलता होगा लगभग समथिंग? ये कम 7-8 साल चलेगा। ये हरियाणा शक्ति प्रीमियम, हरियाणा शक्ति सबसे अच्छी क्वालिटी है। यही अच्छी क्वालिटी है। निकालने का मशीन है, दूध से क्रीम। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये छोटा सा मशीन है, दूध से क्रीम निकालने के लिए है। आप इसका प्राइस कितना होगा? इसका प्राइस 7,500 है। ये मैनुअल है। अच्छा, मैनुअल। इसके अलावा हाथ से चलने, मोटर से चलने वाला आता है, अभी हमारे पास खत्म हो गया। हम मोटर से चलने वाला आता है, जैसे 300 लीटर का, 60 लीटर का और 500 लीटर का, अलग अलग कैपेसिटी का होता है। और ये देख सकते हैं, ये पनीर दबाने का मशीन है। इसमें पनीर दबाएंगे, इसमें अच्छे से बन जाता है। जनरली लोग क्या करते हैं, कपड़े में करके और पत्थर से दबाते हैं, लेकिन इसमें मैनुअल हाथ से दबा, धीरे धीरे दबाएंगे और पानी गिरता जाएगा और ये अच्छे शेप में बनेगा। चलो जो 500 रेट है। हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे किसान मशीनरी जो भी है, यहाँ पर आपको जो व्यापारी भाई लोग, उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे आकर सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप दूध से रिलेटेड, जैसे आप ATM मशीन जैसे होता है, उसी तरह दूध भी निकाला जा सकता है। ATM मशीन होता है दूध का, उसको वेंडिंग मशीन बोलते हैं। और उसे कहीं भी रोड पे लगा दें और शहर में कहीं भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। जो भी यहाँ किसान भाई हैं, या तो जो पशुपालक लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, अगर दूध से रिलेटेड जो भी होता है, कुछ दूध निकालने की मशीन हो गया, या कुछ इस टाइप की मशीन जो जरूरत पड़ती है गाय भैंस को जरूरत के लिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते किसी अगले वीडियो।